बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वी आर लाइव राइट नाउ और इस रमजान में आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, हमजा अली अब्बासी, और मेरे साथ होंगे, इट्स अ वेरी बिग प्लेजर एंड ऑनर फॉर मी टू बी अगेन इन अ कॉन्वर्सेशन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम विद डॉक्टर खालिद जहीर साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई हियर यू आर इन डैलस, यूएसए। वालेकुम अस्सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम इन डेलस यूएसए एंड यू आर राइट, इट्स ग्रेट टू बी इन कॉन्टेक्ट एंड कम्युनिकेशन विद यू आफ्टर व्हाट 5 ईयर्स। 5 years, 5 years, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि इस रमजान के अंदर वी're गोना बी कैजुअली टॉकिंग अबाउट अल्लाह ताला, अबाउट इस्लाम, अबाउट हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबाउट एवरीथिंग दैट वी वांट टू टॉक अबाउट इन दिस रमजान। एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी कैजुअल, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो वी इन्वाइट एवरीबडी, स्पेशली द यूथ जो पढ़ी लिखी है, टू वॉच दिस, और होपफुली मैं भी सीखूंगा, आप लोग भी सीखेंगे, एंड विल हैव अ ग्रेट टाइम इन दिस रमजान। आई होप आप सबका रमजान बहुत अच्छा जा रहा होगा। डॉक्टर साहब, आपका भी आई होप रमजान बहुत अच्छा जा रहा होगा वहां पे, एक डिफरेंट मुल्क के अल्हम्दुलिल्लाह, अंदर। आई एम एंजॉयिंग इट थॉरली एंड लेट मी ऐड, अरे मैं सबसे ज्यादा सीखूंगा। हम सब सीखेंगे। देखिए, मुसलमान होता ही वो है जो कब्र में जाने तक जो है सीखने का अमल जारी रखे। बल्कि आई थिंक हमारा मसला ही ये है कि हम उस वक्त गुमराह हो जाते हैं जब हम समझते हैं कि अब हमने कुछ नहीं सीखना, सब कुछ हमें पता है, और जो मुझे पता है वो हक और सच है। खैर, लेट्स मूव फॉरवर्ड, बिकॉज हमारे पास घंटा होगा मेरे ख्याल हमारे प्रोग्राम के अंदर। और शुरू में जो मैं ये बात करना चाहता हूँ, जिसके बारे में आई आई होप आई कैन लर्न एंड वी कैन टॉक अबाउट, इज मुझे पर्सनली फील होता है, बिकॉज मेरी एक जाती एक सफर, हर इंसान का एक जाती सफर होता है अल्लाह ताला की तरफ, हक की तरफ। मुझे खालिद साहब ये फील होता है आजकल खास तौर पे कि हम जो मुसलमान हैं या किसी भी दीन के लोग जो हैं, वो शख्सियात इंसानों पे, चाहे वो नबी हो, रसूल हो, या बहुत बड़ी नेक हस्तियां हो, या बहुत आलिम हो, मुझे ये फील होता है कि उनके ऊपर, इंसानों के ऊपर सारा फोकस या मेजॉरिटी ऑफ द फोकस जो है वो चला गया है। इंसानों के बारे में ही बात होती है, इंसानों की अजमतों के बारे में, इंसान के उनके शानों में कसीदे पढ़े जाते हैं, लेकिन इस सारे कासल का, जो हिदायत का कासल है, इसके जो असल मैं कहता हूँ हीरो हैं, जो मेन हीरो हैं, एक ही हीरो हैं हम सबके, जो अल्लाह ताला की जात है, उनके ऊपर फोकस जो है बड़ा आहिस्ता आहिस्ता फेड अवे होता जा रहा है, और इंसानों के ऊपर जो है फोकस बहुत बढ़ता जा रहा है। मैं यहाँ थोड़ा सा अर्ज करूं आपकी तरफ आने से पहले कि सम पीपल गेट ऑफेंडेड व्हेन आई से कि हाँ, मुझे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने खानदान से भी ज्यादा मोहब्बत है। क्यों? इस हैसियत में कि वो कोई फलसफी थे, कोई साइंसदान थे, कोई फिलोसोफर थे? नहीं, बल्कि इस हैसियत में कि वो अल्लाह ताला के नबी और रसूल थे। सेम गोस फॉर हजरत ईसा, हजरत मूसा। मतलब अगर इनको अल्लाह ताला ने ना मबूस किया होता, शायद हम इनके नाम भी ना जानते तारीख में। तो क्या आप खालिद साहब अग्री करेंगे कि रिसेंट इस दौर का, पिछले काफी अरसे से ये एक प्रॉब्लम है कि हम इंसानों पे फोकस ले आए हैं, और जो मेन जात है अल्लाह ताला की, उससे फोकस कहीं फेड अवे होता जा रहा है। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग खालिद साहब? आप बिल्कुल करेक्ट, सही हैं। हालांकि आपका तज्जिया बिल्कुल स्पॉट ऑन है। आप भी जानते हैं हमजा, यू हैव गॉन थ्रू रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन। मैं भी किसी जमाने में दीन की तरफ माइल हुआ, तो आई एम श्योर कि यू विल एग्री विद इट कि दीनी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही एक है, और वो ये कि आपको ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज होता है कि मेरा इस कायनात का एक खालिक और मालिक है, वो मेरा रब है, मुझे पाल रहा है, मुझे मौत के बाद उसके पास जाना है। चुनाचे मेरा और उसका रियल कांटेक्ट होना चाहिए, उसके साथ मेरा और उसका ताल्लुक सबसे ज्यादा जेन्युइन और करीबी होना चाहिए। कुरान मजीद में ये जो आप बात बयान कर रहे हैं, इसी के मुताबिक बकरा में बयान फरमाया, वल्लजीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, वो लोग जो ईमान वाले हैं वो सबसे ज्यादा शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये कायनात उसने बनाई, मुझे आपको उसने बनाया, मेरे वालिदैन को उसने बनाया, अंबिया रसूलों को उसने बनाया, ये कारखाना है हयात, ये आजमाइश की दुनिया उसने बर्पा की।
उसको बिल्कुल सेंटर स्टेज पे रख के सबसे ज्यादा अहमियत देके अगर हम दीन के बारे में गुफ्तगू नहीं करेंगे तो हमारी गुफ्तगू बेमानी होगी, उसकी नहीं होगी। तो आई कंप्लीटली एग्री विद यू। बिल्कुल खालिद साहब, आई एम ग्लैड दैट वी बोथ अग्री ऑन दिस, बिकॉज बड़ा अच्छा लगता है जब एक आप जैसे लर्नड जो इस्लाम के ऊपर इतनी गहरी नजर रखते हैं वो अग्री करें। ये मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज खालिद साहब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई फ्रॉम व्हाट आई वाज टू व्हाट आई एम एंड आई होप आई विल बी अ बेटर पर्सन बिफोर आई डाई, मोर बेटर पर्सन, वो इसलिए हुई बिकॉज जब मैं जितना कुरान पढ़ा और मैंने कहते ना अनफुसु अफाक की निशानियों पे गौर किया और इस हकीकत पे पहुंचने के बाद कि मैं ऐमे ही नहीं बन गया रैंडम ब्लाइंड प्रोसेसेस से, असल में मुझे बनाया है और वो जो फिनोमिनन है जिसने मुझे बनाया है, वो फोर्स फिनोमिनन जो भी कहना चाहें आप उनको, गॉड अल्लाह ताला, वो कोई रैंडम हस्ती नहीं है जो बना के भूल गई, जैसे आइंस्टाइन बिलीव करते थे ऑन गॉड ऑफ स्पिनोजा कि जी ठीक है बनाया लेकिन एक इम्पर्सनल फोर्स है बनाती है चली जाती है, जिस पे यूजुअली स्पिरिचुअलिस्ट्स भी बिलीव करते हैं, जिस पे बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं। मेरी तो जिंदगी बदली जब मुझे रैशनली इंटेलेक्चुअली इस बात के ऊपर मैं यकीन हो गया कि एक सेकंड मुझे तो बनाया है एक फिनोमिनन है, लेकिन वो फिनोमिनन कोई इम्पर्सनल फिनोमिनन नहीं है, वो जात मुझे हर वक्त देख रही है, वो मुझे हर वक्त सुन रही है। जब तक मैं इस दुनिया में मौजूद हूं वो जात डायरेक्टली किसी के थ्रू नहीं, डायरेक्टली मुझे मॉनिटर कर रही है, मुझे टेस्ट कर रही है, यानी कि मेरा कहते हैं ना इंसानी अल्फाज तो रिश्ते जो हैं वो तो लिमिटेड होते हैं, बट एक तमसील के तौर पे यानी मेरा माँ भी वो है असल, मेरा बाप भी वो है और वो मुझे देख रहे हैं और मुझे टेस्ट कर रहे हैं। ये फीलिंग जो है ऑफ कॉन्स्टेंटली बींग मॉनिटर्ड, हर्ड, एवेल्यूएटेड, असल में ये वो सिंगल एक चीज थी जिसने मुझे मजबूर कर दिया, मतलब मेरा इख्तियार खत्म हो गया कि यार अब अगर मैं नहीं सीधा होऊंगा तो ये जो मैं गलत हरकत कर रहा हूं आई एम बीइंग वॉच्ड। अगर ये फीलिंग नहीं है, अगर इंसानों पे ज्यादा फोकस है, उनके मिरेकल्स पे, फजीलत पे, उनकी तारीफों पे, उनके ऊपर ज्यादा फोकस है, तो खालिद साहब ये बिहेवियर जन्म ले सकता है अपनी इस्लाह का, क्योंकि मुझे लगता है कि इसीलिए बहुत सारे हमारे मुसलमान हैं, शायद हम मैं भी हूं उनमें से, जो उतनी अपनी पुरजोश तरीके से इस्लाह नहीं करते जिस तरह करनी चाहिए, वाइल दे से दे बिलीव इन अ गॉड जो उनको हर वक्त देख रहे हैं, जो उनको हर वक्त सुन रहे हैं अल्लाह ताला। तो क्या यही वजह है कि हमारा फोकस उस हस्ती पे नहीं है और इंसानों पे है, इसलिए वो जो इस्लाह की अपने जज्बा होता है कि आई एम बीइंग वॉच्ड, वो नहीं, उस तरह नहीं पैदा हो रहा हमारे लोगों में। एंड बिफोर यू से समथिंग, मैं इसलिए ये कह रहा हूं बिकॉज हमारे जो कलेक्टिव बिहेवियर्स हैं सोसाइटी के, उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। देखिए इंडिविजुअली तो अल्लाह जाने आप जाने, इंडिविजुअल रिलेशनशिप मुझे कोई इख्तियार नहीं बोलने का, लेकिन जो कलेक्टिव बिहेवियर के इंडिकेटर्स होते हैं आप देखिए वो कैसे हैं। पाकिस्तान में 97% मुसलमान, लेकिन करप्शन इंडेक्स में हम कहां पे? पाकिस्तान में 97% मुसलमान है लेकिन हमारे क्राइम रेट्स देख लें। आप अमेरिका में देखें ना, अमेजोन का डब्बा घर के बाहर छोड़ जाते हैं, कोई नहीं उठाता। यहां तस्वर नहीं है कि टीसीएस वाले घर के बाहर पैकेज छोड़ दे और चार घंटे बाद वो मौजूद हो वहां पे। तो क्या यही वजह है कि हम, हमारे अंदर वो खौफ खत्म हो गया, वो डर खत्म हो गया, हम कहते हैं कि मुसलमान है लेकिन वो इस्लाह उस तरह है ही नहीं हमारे अंदर? एब्सोल्युटली यही वजह है। और मैं आपकी इस बात को फर्दर एंडोर्स करते हुए ये बात कहना चाहूंगा कि कुरान मजीद में आप ये देखेंगे कि अल्लाह ताला बार बार एक बात कह रहे हैं कि कयामत के रोज जब हम अल्लाह के यहाँ अकाउंटेबल होंगे तो कोई सिफारिश नहीं होगी, कोई सिफारिश नहीं होगी, नोबडी इज गोइंग टू इंटरसीड फॉर अस। हम अपने आमाल के लिए अल्लाह के यहाँ अकाउंटेबल हैं, अगर हमारे आमाल ठीक हुए, हम मेरिट पर पूरे उतरे तो हम कामयाब होंगे, और अगर हम नाकाम हो गए तो हमारी नाकामी की सूरत में हमें कोई नहीं बचा सकेगा। दिस इज व्हाट द कुरान एम्फसाइजेस ओवर एंड ओवर अगेन। मगर आप मुसलमानों को देख लें, उनकी एक अजीम अक्सरियत इस बात पर मुतमईन है कि उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश से, शफात से बचा लेंगे। वो नाकाम भी होंगे तो हुजूर की सिफारिश
ان کے درمیان آڑے آ جائے گی, یعنی اللہ کے فیصلے اور ان کے درمیان. بٹ لیٹ می سے سم تھنگ ایز از ویل, یہ جو آپ نے بات کی ہے میں اس کو ایک اور پہلو سے بھی انڈورس کرنا چاہتا ہوں. یہ بالکل صحیح بات ہے حمزہ کہ میرا اس دین میں اگر کوئی جینوئن رول پرفارمنس ہے تو اس کی وجہ ایک ہی ہے اور وہ آپ پوائنٹ آؤٹ, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں اس کو جواب دہ ہوں, میں جب اس سے مانگتا ہوں وہ میری دعا سنتا ہے, اور یہ میرا اس کا رشتہ, یہ میرا اس کا تعلق براہ راست ہے. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ سب انسانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ گہرا رشتہ میرا اپنے رب کے ساتھ ہے. میں صرف ایک آپ بات اور کہتا ہوں, آپ نے ظاہر قرآن مجید پڑھا ہے ماشاءاللہ بہت, مجھے حمزہ قرآن کی جو بات آج تک, جب سے میں نے قرآن مجید کو سیریسلی پڑھنا شروع کیا ہے آج تک, جو پرابلی سب سے زیادہ فیسنیٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ایسا لگتا ہے کہ وہ کمنٹ کر رہا ہے میری سراؤنڈنگز میں جو کچھ ہو رہا ہے. ابھی جب میں اس پروگرام پہ لے آ رہا تھا تو بارش ہو رہی تھی, تو بارش کا بڑا ذکر ہے قرآن میں, اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے, پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ دیکھو تمہیں پانی کی ضرورت ہے, تمہیں کھانے پینے کی ضرورت ہے, میں نے تمہارے لیے یہ بندوبست کیا کہ آسمان سے پانی برسایا, زمین کے اندر رویدگی فرٹیلٹی رکھی, اس پانی کے برسنے اور زمین کے اندر جو تم نے بیج بوئے ہیں ان کے نتیجے میں جو تمہارے لیے فصلیں نکلتی ہیں, جو کراپس نکلتی ہیں, جو پھل نکلتے ہیں, جو سبزیاں نکلتی ہیں, اس سے تم کھاتے ہو, یہ میں نے تمہارے لیے کیا ہے. وہ جو فیلنگ پیدا ہوتی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے اس بیان کے نتیجے میں, اور اس کے بعد جب انسان بارش کو دیکھتا ہے, بادلوں کو دیکھتا ہے, فصلوں کو دیکھتا ہے, پھولوں کو دیکھتا ہے, پھلوں کو دیکھتا ہے, بندہ کہتا ہے خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر, آئی لو یو. ایگزیکٹلی خال صاحب, ایک سوری قطع کلامی معاف, کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میرے ذہن میں آیا جو مجھے اس وقت لگتا ہے میری ذاتی رائے میں کہ وہ اس وقت سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اتنا بڑا پرابلم ہے کہ میں اپنے خاندان میں کم از کم 10 لوگوں کو جانتا ہوں جن کا یہ پرابلم ہے. دیکھیں اب ہمارے پاس قرآن مجید, وہ ہم کیا بلیو کرتے ہیں کہ اس ہستی اس ذات کے ڈائریکٹ اسپیچ ہے ان کی. اب دیکھیں غالب صاحب, قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اس سے بڑی تمثیل کوئی نہیں ہو سکتی اس بات کی کہ مطلب کوئی انسان اتنا میرے قریب نہیں ہو سکتا جتنا وہ ذات میرے قریب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت اپنے ہر بندے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کی بات ڈائریکٹلی سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں نا کہ میں پکارنے والے کا پکار کا جواب دیتا ہوں, میں اس کی پکار سنتا ہوں اسی وقت. تو اتنی کلیئر ورسز کے بعد اس طرح کے اور بھی ہم شور کافی مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہی از ڈائریکٹلی, دیر از نتھنگ بٹوین می اینڈ ہم, چاہے میں گناہگار ہوں چاہے میں اچھا انسان ہوں. تو کیا وجہ ہے کہ قرآن کے ہونے کے باوجود, قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ کے بار بار بتانے کے باوجود کہ وہ ہمارے ڈائریکٹلی قریب ہیں, ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہیں, ڈائریکٹلی سن رہے ہیں, پھر بھی کیا وجہ ہے کہ ہم انسانوں کو ڈھونڈتے ہیں؟ ہمارے یہاں پیروں کا بہت ایک کلچر ہے, ہمارے یہاں ایک بہت کلچر ہے کہ آپ کسی نیک انسان کے طفیل یا وسیلے سے اگر اللہ سے بات کریں گے تب شاید وہ سن لیں, ورنہ تو ہماری بات وہ سن ہی نہیں سکتے. تو یہ کیا وجہ ہے اس کانٹرڈکشن کی کہ قرآن ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ بات کہہ رہا ہے اور ہمارے یہاں ایک بہت بڑا بلیف سسٹم ہے جو کہتا ہے کہ آپ اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے ڈائریکٹلی, آپ وہ بات تو سنیں گے ہی نہیں آپ کی جب تک آپ کسی نیک انسان کی, یا تو جو زندہ ہو یا فوت ہوا ہو, اس کے طفیل نہ اللہ میاں کو دہائیاں دیں تبھی وہ بات سنیں گے. یہ کیسے اتنا ڈیپ روٹڈ بلیف چلا گیا قرآن کی واضح آیتیں ہونے کے باوجود؟ حمزہ اس کا جواب تھوڑا سا تلخ ہے, بٹر ہے. ٹروتھ از آفن بٹر. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ لیٹس بی فرینک, مسلمانوں کی جو واسٹ میجورٹی ہے وہ مسلمان کیوں ہیں؟ اس لیے بائی برتھ پیدا ہو گئے مسلمان, ان کے پاس کوئی چوائس نہیں. تو انہوں نے جو سنا
जो तकरीरें सुनी, जो कहानियां सुनी, उसके मुताबिक वो दीन को मानते हैं। अलाउ मी टू से, ये वो ईमान है ही नहीं जो अल्लाह ताला चाहता है। ये ईमान तो हिंदुओं का भी है, क्रिश्चियन का भी है, भाई वो जहां मतलब बेसिकली आप जिस घर में पैदा हो गए, जिस सोसाइटी में, वही आपने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपने कुरान पढ़ा है और कुरान को पढ़कर आप मुसलमान हुए हैं, तो कोई हमजा सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी आपके जहन में ख्याल आए कि मैं अल्लाह को अप्रोच करूं किसी और के जरिए से। ऑनेस्टली महसूस होता है कि कुरान मजीद की मेजर जो थीम्स हैं, तीन दायरे के हैं, तौहीद, आखरत, रिसालत, उनमें तौहीद के बयान में ये बात बहुत वाजह है कि अल्लाह को आपको अप्रोच करना है डायरेक्टली, वो आपकी बातें सुनता है। कोई और आपकी बात अल्लाह को पहुंचा कैसे सकता है? उनके साथ तो देखे ना, आमतौर पर लोग कहते हैं जी कि बड़ी बहसें होती हैं जी कि हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सवाल ये है कि ओके, आई डोंट नो कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान ली, लेकिन जिनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो अल्लाह ताला से कम्युनिकेट करेगा आपके लिए, आपकी बात पहुंचाएगा, इसके लिए तो अल्लाह की सनद, उसकी तरफ से कोई अथॉरिटी, कोई उस तरह से है ही नहीं। यानी मैं आपको गारंटी देता हूं, पूरा कुरान और पूरा हदीस का लिटरेचर जो ऑथेंटिक है, इससे खाली है कि आपको कहीं ये बात मालूम हो कि हम मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह ताला से हुजूर के बारे में जो हमको खुद हुजूर ने सिखाया वो ये है कि हम आपके लिए दुआ करें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद, ए अल्लाह तू अपनी रहमतें नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। सो ये सारी कम्युनिकेशन अल्लाह से हो रही है। कुरान मजीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आए इसीलिए हैं कि हमको ये बताएं कि हमें अपने रब से डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है। वो जैसा कि आपने फरमाया, हमें देख रहा है, हम उसके यहाँ जवाब दे हैं, और हमें इस दुनिया में रहते हुए उस बेहतरीन जिंदगी के लिए स्ट्राइव करना है, स्ट्रगल करना है कि जिसकी अल्लाह ताला गारंटी देता है कि अगर तुमने इस दुनिया की जिंदगी उसकी मर्जी मंशा के मुताबिक गुजारी तो तुम्हारी आखिरत की, हमजा, आखिरत की हमेशा की जिंदगी कामयाब हो जाए। तो इतना अल्लाह की तरफ से इनविटेशन है, उसको छोड़कर कितनी बदनसीबी है कि लोग कहें जी कि मैं इनके जरिए से अल्लाह को अप्रोच कर रहा हूं या उनसे कर रहा हूं। वो हरकत, वो तरीका जिसको कुरान मजीद शदीद कंडेमनेशन का जो उसके बारे में रवैया अख्तियार किया। मतलब खालिद साहब, यहाँ पे एक आयत मेरे जहन में आ रही है कुरान की, जिसमें अल्लाह ताला क़यामत का पूरा मंजर बताते हैं और बताते हैं कि उसमें से लोग होंगे जो अपने अपने अकाबरीन के पास जाएंगे, जो उनकी सेक्रेड हस्तियां हैं, जो उनके ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने दुनिया में सोचा था कि हाँ जी ये लोग जो हैं क्यामत के दिन हमें बचा लेंगे, उनके पास जाएंगे लोग, और वो लोग आगे से खुद अल्लाह ताला के आगे हाथ फैला के बैठे होंगे कि या अल्लाह आज हम बच जाएं किसी तरीके से। ये पढ़ने के बावजूद आप यकीन करें, मैं अपनी, जैसे आपको मैंने पहले बताया, फैमिली में लोग गिनवा सकता हूं जो कि ना सिर्फ ऐसे लोगों के पास जाते हैं बल्कि ये मानते हैं कि वो लोग डायरेक्टली अल्लाह ताला से इन टच हैं। तो खालिद साहब, कुरान में कोई ऐसी दलील मौजूद है कि नबियों और रसूलों के केस के अलावा, यानी हजरत मरियम से भी जब जिब्राइल मिले तो वो एक रसूल के इंस्टेंस में था, या उसके अलावा भी जो कोई कम्युनिकेशन हुई डिवाइन वो सिर्फ नबी और रसूल के ज्यूरिस्डिक्शन में हुई? कुरान में क्या कहीं ये मौजूद है कि नबियों और रसूलों के अलावा कोई इंसान, चाहे कितना भी नेक हो, कितने कुछ चिल्ले काट ले, कुछ कर ले, कि वो डायरेक्टली फरिश्तों को कम्युनिकेट कर सकता है, अल्लाह ताला को कम्युनिकेट कर सकता है विद द पर्पस ऑफ गाइडिंग द मासेस? मुझे कुछ दिल में ख्याल आए, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना कि मोमिनीन के या मुसलमानों के वो कल्ब से, दिल से उनसे राबता करते हैं, अल्लाह ताला बिल्कुल गाइड करते हैं, लेकिन वो वाली गाइडेंस के मुझे फरिश्ते भी नजर आ रहे हैं, वो आलम भी नजर आ गया है, मैं अल्लाह ताला से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, गाइडेंस ले रहा हूँ, आगे मेरे हजारों
लोग बैठे हैं जिनको मैं गाइड कर रहा हूं, कि ये नबी और रसूलों के अलावा किसी का मनसब कुरान में बताया गया है? कोई इम्कान नहीं है जी। बल्कि बात यह है कि असल में कुरान मजीद से तो ये मालूम होता है कि इस नाम का मनसब सीख करना, उसके लिए ख्वाहिश करना, ये भी बिल्कुल नामुनासिब है, अनएक्सेप्टेबल है। असल में हमें अपना अल्लाह ताला के साथ जो ताल्लुक रिश्ता है उसको समझना चाहिए। अल्लाह हमारा खालिक और मालिक है और हम उसके नाचीज बंदे हैं और हमें उसकी इबादत करनी है, हमें उसका बंदा बन के रहना है। अल्लाह का इंतखाब है, उसने मोहम्मद, ईसा, मूसा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चुना और उसने चुना मेरिट की बुनियाद पर। अब उसने इन अजीम बंदों को, अपने रसूलों को, नबियों को चुन लिया इंसानियत की गाइडेंस के लिए। अब किसी और शख्स को अपने आप को उस क्लास में, उस सफ में खड़ा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये असल में अपने लिए गलत टारगेट चुनना है। और आपने ये पूछा कि क्या कुरान से ये मालूम होता है कि कोई इनके साथ भी कम्युनिकेशन है, या इनके थ्रू अल्लाह को अप्रोच करना चाहिए, या ये भी हमें कुछ वहाँ हेल्प कर सकेंगे? तो कुरान को बार बार क्लैरिफाई करता है कि ये लोग जिनको लोग दुनिया में मान रहे हैं और समझते हैं कि इनके पास कुछ डिविनिटी है, या ये अल्लाह के साथ ऐसा ताल्लुक रखते हैं कि हम अगर इनके साथ सही ताल्लुक रखेंगे तो ये हमें उसके यहाँ बचा लेंगे, तो अल्लाह ताला बार बार ये बताते हैं कि ये सब लोग उस दिन कयामत के रोज अपने फॉलोअर से बरात करेंगे, अपने ताल्लुकी का इजहार करेंगे। सूरह बकरा की वो आयत की जो मैंने अभी आपको सुनाई कि अहले ईमान अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वहीं पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि याद करो उस दिन को, इस तबर्रअ अल्लज़ी नत्तबेऊ, बरात करेंगे अपने आप को, ताल्लुक अपने ताल्लुक को बयान करेंगे कि सिरे से कुछ नहीं था वो लोग के जो फॉलो किए गए, मिनल लज़ीन अत्तबऊ, और वो बरात का इजहार करेंगे, ला ताल्लुकी का इजहार करेंगे उनसे कि जिन्होंने उनको फॉलो किया। बराबुल अज़ाब, और वो सब सामने अज़ाब देख लेंगे, बतक़त्तअत बिहिमुल असबाब, और उनके सारे ताल्लुकात कट जाएंगे, कुछ भी काम नहीं आएगा। No soul shall bear the burden of another soul. और यहाँ पे एक खालिद साहब, क्योंकि मुझे पता है मेरी काफी बातें होती हैं, आपको भी पता होगा, यहाँ पे फिर एक क्या कहते हैं ओपिनियन आता है कि जी देखे क्या मसला है आप लोगों को यार हमारे मुर्शिद से या हमारे उससे, कि एक टीचर ही होता है, क्योंकि somehow ये लोगों का एक आता है फीडबैक यार आपको प्रॉब्लम क्या है, एक टीचर है हमारे, वो हमें बताते हैं, कुरान सिखाते हैं। मैं खालिद साहब, मुझे ये लगता है कि ये दैट्स नॉट द केस। देर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन अ टीचर एंड समबडी हुज मोर देन अ टीचर। यानी कि जैसे आप अगर उस्ताद हैं मेरे, आप हैं, बल्कि गामदी साहब हैं, वहीदुद्दीन खान साहब हैं, इस तरह मैं बहुत सारे लोगों से लेता हूं, मौलाना तारिक जमील साहब हैं, लेकिन वो कभी ये दावा ना आपने किया ना उन्होंने किया कि जी जो मैंने दीन के बारे में बात कर दी है अब वो पत्थर पे लकीर है, क्योंकि मैं तो अपनी इंफॉर्मेशन ऊपर से ले रहा हूं। देखिए टीचर का दावा क्या होता है कि जी मैं कुरान समझा है, मैंने अपनी पूरी अच्छी कोशिश की है, मुझे कुरान से ये नतीजा बरामद हुआ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये होता उस्ताद जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जो कि एक मनफी रवैया है, वो है उन इंडिविजुअल्स के बारे में जो ये तो दावा ही नहीं करते कि देखें जी हमने कुरान पढ़ा है, अहदीस मुबारका का जायजा लिया है, मुझे ये समझ आई है, मैं आगे आपको बता रहा हूं। उनका ये दावा होता ही नहीं, वो तो ये दावा करते हैं कि जी मैं ऊपर फलाने फरिश्ते से हिदायत पा रहा हूँ, या मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती से हिदायत पा रहा हूँ, या मैं अल्लाह ताला से डायरेक्ट हिदायत पा रहा हूँ। मैंने ऐसे भी जो है वो देखे हैं हमारे हजरात, उनकी बात ये नहीं होती। आई कैन सिट डाउन एंड डिसएग्री विद यू खालिद साहब, आई कैन डिसएग्री विद गामदी साहब, आई हैव हमारे जो फरहान भाई हैं उनका तो आर्टिकल है, वो डिसएग्री कर चुके हैं उनसे ठीक ठाक। इन इंडिविजुअल्स के साथ इनकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है, आप डिसएग्री नहीं कर सकते। आप खुद बताएं कि मैं मेरी मजाल के मैं किसी बात पे एक ऐसे बंदे से डिसएग्री करूं कि जिसका इंप्रेशन मेरे पे ये हो कि ये तो हिदायत डायरेक्टली ऊपर से पा रहा है। ये डिफरेंस जरा क्लियर कर दीजिएगा, एक टीचर में और इन हजरात में क्या डिफरेंस है, ताकि लोग समझ सकें इसको। ये बात आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये बात
तो बिल्कुल नेचुरल है कि जब भी हम सीखते हैं कोई इल्म, कोई फन, मोर सिग्निफिकेंटली अल्लाह का दीन, तो वो हम खुद से नहीं सीख सकते, हम किसी के जरिए से सीखते हैं। हम अगर कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़ते हैं तो कुरान मजीद का तर्जुमा आखिर किसी ने किया है ना, तो वो जो तर्जुमा करने वाले हैं वो हमारे उस्ताद ही हैं। लेकिन बड़ा फर्क है इसमें कि आप किसी को अपना उस्ताद माने, किसी एक शख्स को या कई अशखास, कई टीचर्स को। मैं समझता हूँ कि एक से ज्यादा अफराद को आपका टीचर होना चाहिए जिनसे कि आप वक्तन फवक्तन सीखते रहें। और उस शख्स में कि जो ये कह रहा है कि तुम मेरी बात मानो इसलिए कि मैं ये कह रहा हूं, ये मकाम तो हमजा सिवाय अल्लाह के पैगंबरों के किसी और का है ही। और अल्लाह के पैगंबरों के मामले में भी ये इसलिए है कि उनको अल्लाह ने अपॉइंट करके ये हैसियत दी। सहाबा कराम के मामले में ये बात मालूम होती है हमजा कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़ुकात ये पूछते। ये जो आप बात बयान फरमा रहे हैं ये आपकी अपनी ओपिनियन है ये या अल्लाह का हुक्म है? वो एक फेमस वो वाकया है कि बदर की लड़ाई के लिए जब मुसलमान जा रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आठ लोगों को, लश्कर को कहा कि तुम यहाँ रुक जाओ, यहाँ पड़ाव डाल दो। तो एक अंसारी साहबी थे, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये अल्लाह का हुक्म है कि आप यहाँ पर रुकें? तो आपने फरमाया नहीं, मेरा ख्याल है कि ये अच्छी जगह लगती है, हमें आराम भी करना है, तो मैंने अपने साथियों को रोका है। तो उन्होंने ये कहा कि मैं इस इलाके को ज़्यादा जानता हूँ, ज़रा आगे चलेंगे तो इससे एक बेहतर जगह है कि जो हमें आराम करने के लिए मिलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रा सा तवक्कुफ भी नहीं किया और अपने साथियों को कहा कि तुम चलो। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ने हमको अक्ल दी है, इस अकल के इस्तेमाल। सॉरी खाला साहब, कत कलामी माफ, वो भी एक अगर आप बता दें हदीस जिसके अंदर क्रॉप्स की पैवंतकारी कुछ सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु कर रहे थे। यार मैं वैसे हमजा ये आई डोंट नो, ये बहुत ही अजीब बात है, मैं हमेशा बड़ा परेशान होता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि हमारे उलमा ये खजूरों के फसल की पैवंतकारी वाला वाकया के जो फेमस बुक्स ऑफ हदीस में जो रिलायबल बयान ही नहीं करते। इसलिए कि अगर वो बयान कर दें तो लोगों को दीन की प्रोबेबली पूरी बात समझ में आ जाए। वो शायद इसलिए नहीं करते खाला साहब, सॉरी इसके बाद आप बोलिएगा, कि शायद इसलिए नहीं करते क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज से मना किया था हमें, शायद हम उस दौर में वो तो नहीं कर रहे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस है कि मेरे बाद मेरे साथ वो ना करना मेरी अकीदत में जो नसारा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया। ऐसे मतलब ऑलमोस्ट उस लेवल पे ले गए कि कोई चीज भी जो है वो उनकी ऐसी नहीं कि उनके जाती ओपिनियन में कुछ आगे पीछे हो सके या उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी जो दुनियावी मामलों में ठीक नहीं थी, इसलिए शायद हटाते हैं कि हमने ऑलमोस्ट डिवाइन लेवल तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं इस बात पर परफेक्टली कन्विंस्ड हूं कि हम मुसलमानों की मौजूदा हालत ज़ार की एक ही वजह है कि हम कुरान मजीद को सीरियसली पढ़ते ही नहीं। अगर हम पढ़ें उसको और क्रिटिकल करें अपनी परफॉर्मेंस तो हमारी तमाम खामियां दूर हो जाए। मसलन कुरान ये कहता है कि तुम दीन के मामले में मुबालगा मत करो, एग्जैजरेट मत करो। हमारा सारा दीन एग्जैजरेशन पर मबनी है, यानी बात इतनी सी होती है उसको इतना बढ़ा देते हैं। तो कमिंग टू दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना हिजरत करके तशरीफ लाए, ज़ाहिर है मक्के में तो तिजारत होती थी, वहाँ फसलों का कोई इम्कान नहीं था। हमने ये देखा कि मदीने के लोग अंसारी वो खजूरों के दरख्तों में कुछ पैवंदकारी कर रहे हैं और ये मंजर आपको कुछ अजीब सा लगा, तो आपने एक तबसरा किया, एक पासिंग रिमार्क था आपका, तुम ना भी करो तो क्या हर्ज है। तो लोगों ने समझा कि ये शायद आपने हुक्म दिया है कि हमें ऐसा नहीं करना, और उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उनका टाइम टेस्टेड एक तरीका था जिससे फसलों में ज्यादा फर्टिलिटी आती थी, ज्यादा फसलें बेहतर होती थी। उस साल उन्होंने नहीं किया और खजूर की फसल कम आई। तो बाद सहाबा आपके पास गए और उन्होंने कहा जी कि वो आपने तो फरमाया था कि हम ये ना करें, तो हमने आपको फॉलो किया तो फसल तो कम आई। तो आपने फरमाया कि ये तो मैंने एक तबसरा किया था
और आपने फरमाया कि अंतुम आलमु भी उमूरी दुनिया को, तुम दुनिया के मामलात मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। मैं तुम्हें दुनिया सिखाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें दीन सिखाने आया हूं। मैं तुम्हें जब अल्लाह की बात बताता हूं तो खुदा की कसम मैं तुम्हें हक बताता हूं, सच बताता हूं। बाकी ये मामला के तुमने फसलें कैसे उगानी है, उनमें कैसे बेहतरी लानी है, आज की दुनिया में आपने इमारतें कैसे बनानी है, सड़कें कैसे, या मेडिसिन, मेडिकल, ये दीन प्रॉब्लम्स का, जो जब आप दीन के बारे में सही अंडरस्टैंडिंग कायम किए बगैर महज जज्बाती तौर पर उसके बारे में वो आरा कायम करेंगे कि जो आरा दीन कबूल ही नहीं करता, तो वही सूरत हाल होगी कि जो इस वक्त हमारी है, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल खालिद साहब, मैं अब आगे चलता हूँ। हमारे जो मेन हीरो हैं जिंदगी के, जो रेहान यूसफी, आप जानते होंगे, अभी आइए हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने वही काम किया जो हमसे पहले उम्मतों ने किया, कि इंसानों को हीरो बना दिया और माज अल्लाह नाउज़ बिल्ला अल्लाह ताला को जैसे हमने एक विलन टाइप कैरेक्टर बना दिया कि अल्लाह ताला तो बस पकड़ेंगे ऊपर बैठ के और हमें ये बचा लेंगे, या हमें ये बचा लेंगे, या हमें ये बचा लेंगे। जिससे आपने सिफारिश की बात की, थोड़ा सा मैं उस पर अपना एक अंडरस्टैंडिंग बताऊं, फिर हम आगे चलते हैं कि सिफारिश का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं इतने लोगों को जानता हूं जिनकी जिंदगियों में इस्लाह नहीं है, यानी उनके इखलाक ऐसे हैं ही नहीं कि जो आप तसव्वुर करें कि यार ये आदमी कहीं जन्नत के करीब भी फटक सकता है। मतलब जबान नहीं सही, इखलाक नहीं सही, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। लेकिन इतना डीप रूटेड हमारे अंदर ये बिलीफ आ गया कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह शफात करा देंगे। क्योंकि कुछ रिवायतें भी बताते हैं कि एक भी जब तक मुसलमान जन्नत में नहीं जाएगा तो वो ये नहीं। सिफारिश का कॉन्सेप्ट जरा मजीद मैं चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले आप क्लियर कर दें, शफात का कॉन्सेप्ट। क्योंकि अल्लाह ताला, जो मैं समझा, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि और कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकता कहीं पे भी इज़्निल्लाह, हत्ता के अल्लाह अगर चाहे तो। यानी कि एक तस्वीर ये सामने आती है, इसके अलावा भी वर्सेज हैं, कि मुझे शफात का कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है कि आप मेरिट पे तो पूरे उतरे ही नहीं, मेरिट पे तो आपका बेड़ा गर्क था, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया और आप बच गए। ऐसे नहीं होगा, ये उन लोगों के लिए होगा जिनके कुछ गुनाह भी हैं, कुछ अच्छे काम भी हैं, तो अल्लाह ताला इज्जत देने के लिए अल्लाह ताला एक कहते ना कि बहाना बनाएंगे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाएंगे। कई मामलों में तो हदीस है कि वालदैन को बुलाया जाएगा, अगर कुछ आगे पीछे हुए तो वालदैन को बुलाया जाएगा कि हाँ जी आप बताएं। तो ये जरा शफात और सिफारिश का जो कॉन्सेप्ट है, इसको जरा मजीद थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर लें। और थोड़ा नहीं, ज्यादा करना पड़ेगा भाई। That's true. तो हम आगे चलेंगे, इसलिए कि ये मेरा ख्याल है कि हमारा मसला नंबर वन है। Exactly. जी रहे हैं मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश की उम्मीद पर। आप ये देखिए कि दुआएं करते हैं हम, हालांकि कोई दुआ कुरान और हदीस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश की मौजूद नहीं है, ये खुद हमने बनाई हुई है। देखिए मामला ये है, पुराने मजीद में सूरह बकरा में तीन जगहों पर ये क्लियर स्टेटमेंट है। मैं आपको एक स्टेटमेंट बयान करता हूं आपके सामने, डरो उस दिन से, ला तज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, जिस दिन कोई किसी के सामने नहीं आएगा, वला युक्बलु मिन्हा शफातुन, जिस दिन कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी उसकी जानिब से, वला युखज़ु मिन्हा अदनुन, कोई पेमेंट देकर छुड़ाया नहीं जा सकेगा, वलाहुम युनसरून, और ना कोई खारिज से और मजीद मदद की जाएगी। कंप्लीट नेगेशन है खारिज से, यानी आउटसाइड किसी हेल्प की, कोई शख्स उसको हासिल करके बच जाए। यानी कोई बात बताई गई है कि इंसान के वही चीज काम आएगी जो वो खुद करेगा, लैसल इंसान इल्ला मासा, इंसान के कोई और चीज काम नहीं आएगी सिवाय इसके के जो वो खुद करेगा। ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़्रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। मगर फिर ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? देखें कुरान मजीद ने आयतुल कुर्सी ही में ये बात बयान की, मन ज़ल्लज़ी यश्फ़ऊ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है कि जो यहाँ सिफारिश कर सके सिवाय उसकी मर्जी, उसकी इजाज़त के। तो यहाँ वैसे आपस की बात है, आदमी जब पढ़ता है और एक सीरियस स्टूडेंट के तौर पर पढ़ता है कुरान मजीद के, जो कुरान के बारे में
ये फैसला कर रहा है कि ये अल्लाह की किताब है, तो उसे एक प्रॉब्लम आती है कि कुरान ये कहता है कि कुरान में कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। और ये बात तुम्हें मालूम होगी जब तुम कुरान को तदब्बुर के साथ पढ़ोगे, तो आयत नंबर 254 में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि वहां कोई सिफारिश नहीं होगी। आयत नंबर 255 जो आयतुल कुर्सी है उसमें फरमा रहे हैं कुछ तो होगी मगर उसकी मर्जी से। तो अब मैं आपको बताता हूँ इख्तिसार के साथ कि मामला क्या है। कुरान से ये मालूम होता है कि बहुत से लोग होंगे कि जो आखिरत में कामयाब होंगे विद फ्लाइंग कलर्स, यानी उनको अल्लाह ताला अच्छी परफॉर्मेंस पर शाबाश देगा, या वो आगे बढ़ने वाले होंगे साबिकून अलवलून या असहाबुल यमीन होंगे, और कुछ वो होंगे कि जो असहाबुश शिमाल होंगे, जो बाएं हाथ वाले होंगे और वो नाकाम होंगे, उनकी नाकामी के होते हुए कुछ नहीं हो सकेगा। हाउएवर कुरान हदीस के बयान से मालूम होता है कि कुछ लोग होंगे कि जो मार्जिन पे होंगे। मैं हमेशा इस बात को ऐसे समझाता हूँ कि इन द गुड ओल्ड डेज हमारे जमाने में जब इम्तिहान होते थे तो पास मार्क्स होते थे 40, लेकिन 3% से ग्रेस मार्क्स शुरू हो जाते थे। वो एग्जामिनर की डिस्क्रिशन पे होता था कि अगर 33 और 40 के दरमियान आपके मार्क्स आए हैं तो वो आपको पास कर सकता है। तो मालूम ये होता है कि अल्लाह ताला के यहाँ भी इसी तरह से कोई 33% और 40% के दरमियान का एक एक टेरिटरी है जिसमें वो अपनी रहमत से लोगों को पास करेगा। और इसको बयान किया कुरान मजीद ने सूरह नबा में, एक क़यामत के दिन कोई नहीं बोल सकेगा, फरिश्ते नहीं बोल सकेंगे, जिब्राइल अमीन नहीं बोल सकेंगे। मालूम है क्यों कहा है? इसलिए कि मक्के के लोग ये एतकाद ईमान रखते थे कि ये फरिश्ते नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह की बेटियां हैं, चहेती हैं, ये उनकी सिफारिश करेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस दिन कोई बात नहीं कर सकेगा, ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व काला सवाबा, और वो बात भी ठीक करेगा। एक और बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कही है और वो ये है कि उस दिन किसी की सिफारिश किसी के हक में काम नहीं आएगी सिवाय उस शख्स के कि जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद तय करेगा कि इसकी सिफारिश होनी चाहिए। तो मालूम यह हुआ कि ये एक दरमियान का एक एक है कैटेगरी लोगों की कि जो ना क्लियरली पास हैं और ना कंप्लीटली फेलियर हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला अपनी रहमत और मेहरबानी से तय करेंगे अपने अजीम बंदों के जरिए से। जाहिर है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नुमाया होंगे और वो करेंगे, और अल्लाह ताला चूंकि पहले से ही तय कर चुके होंगे और अल्लाह ही ने उनको इशारा किया होगा कि आप इनके लिए सिफारिश करें, तो अल्लाह ताला उनकी सिफारिश कबूल कर लेंगे। इससे ना कोई फेल होने वाला पास होगा और ना कोई पास होने वाला फेल होगा। ये वो लोग होंगे कि जो मार्जिन पे थे और अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से उनको पास कर लिया। अब कुरान मजीद से मालूम होता है कि इसके अलावा कोई और सिफारिश काम नहीं। बिल्कुल, और लोग गलत ना लें इसको प्लीज, ये हम बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि हम मुसलमानों में अपनी इस्लाह का, और कहते हैं ना कि इमरजेंसी बेसिस के ऊपर, हंगामी बुनियादों के ऊपर अपनी जाती इस्लाह का जो है वो जज्बा कायम हो, तो ये मकसद है ये बातें करने का। खाल साहब एक और बात बिफोर वी मूव ऑन टू आर मेन हीरो जो है अल्लाह ताला, जिनके सामने हमने जाना है, जिसने हमें बनाया, जो हमें रिस्क देता है, जो हमें सब कुछ हर चीज का दारोमदार, वो एक हस्ती है, नबी और रसूल भी सारे उन्हीं के बारे में खबर देने के लिए आए। तो उनके जरा एट्रीब्यूट्स के बारे में आने से पहले मैं चाहता हूँ एक और चीज को हम डिस्कस करें, क्योंकि ये भी एक बहुत बहरहाल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आई होप यू एग्री विद मी। एक मेरा ख्याल रिवायत है जो पहुंची है या इस तरह को बात है जिससे ये तासुर मिलता है जो बहुत से लोगों का बिलीफ है हमारे अंदर कि जी एक दफा जिसने कलमा पढ़ लिया या जो मुसलमान है वो तो जहन्नम में जा ही नहीं सकता, ज्यादा ज्यादा भी होगा तो कुछ अरसा फैटी लगेगी और फिर जन्नत में चले जाएंगे। तो इसलिए लोग बहुत लेट बैक भी फील करते हैं कि जी देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान है। हत्ता के मुझे ये लगता है खालिद साहब के मुसलमान घर में पैदा होना तो ज्यादा बड़ा मसला, उसकी वजह यह है कि अंग्रेजी अंग्रेज कोई है, कोई अमरीकी है, कोई साउथ अमेरिका में रहता है, जिसको नहीं दावत सही तरह पहुंची वो शायद ये उजर पेश कर दे कि या अल्लाह मुझे
नहीं उस तरह पता चला ये कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये सारा कुछ मुझे नहीं समझ आया। लेकिन हमारे पास बहुत कम चांस है, क्योंकि अल्लाह ताला तो कहेंगे कि तुम्हारे तो 24 घंटे हर तरफ कुरान था, इस्लाम की बात होती थी, मेरे बारे में बात होती थी, तो तुम्हारे पास क्या एक्सक्यूज है आज जो तुम बैठे हुए हो। तो ये जो बिलीफ है कि बस मुसलमान एक दफा हो गए, अब हमारी जिम्मेदारी तो बिल्कुल ही 10% पे आ गई, या जैसे तैसे हम इंशाल्लाह पहुंच ही जाएंगे, ये बिलीफ के बारे में आप क्या कहेंगे खान साहब? अगेन ये कोई छोटा मौजू नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको जरा निस्बतन ब्रीफली बयान कर सकूं। नहीं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। मैं इससे पहले कमेंट करना चाहता हूं कि हमजा कोई तरीका ही नहीं है कि कोई इंसान भी अल्लाह के दीन को समझ सके, सिवाय इसके कि वो उसके बारे में सीरियस हो जाए और अपने ख्यालात को एक तरफ रख के बिल्कुल खाली उस जहन होके अपनी माइंड को एम्प्टी करके कुरान मजीद को पढ़े ये जानने के लिए कि अल्लाह की किताब क्या कह रही है। अगर आप पहले से ये तय कर चुके हैं कि हमारी सिफारिश होगी, हमने कलमा पढ़ लिया है, तो अब ये तो हमें ऑलरेडी गारंटी है, अब कुरान मजीद आप कुछ फरमाना चाहते हैं तो बेशक फरमाएं। आप यकीन जानिए कि कुरान आपके लिए कुछ भी नहीं फरमाएगा, इसलिए कि आपने अलाउ मी टू से आपने कुरान की इंसल्ट की, कुरान के स्टेटस को गिराया है। कुरान की इंसल्ट करने का मतलब यह है कि आपने अल्लाह ताला को सेकेंडरी पोजीशन पे रख दिया है। कुरान के आगे अगर आप अनकंडीशनल सरेंडर नहीं करते तो फिर असल में आप कुरान को पढ़ी नहीं रहे। मैं एक आयत, एक पैसेज का हवाला दे के आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, अगरचे जाहिर है कि ये एक लंबी बात है। सूरह अनकबूत है हमजा, सूरह नंबर 29, उसकी आयत नंबर 2 और 3। ये सूरह मक्की है। मक्की सूरह होने की सिग्निफिकेंस ये है कि जब ये सूरह मुबारका नाजिल हो रही थी तो मुसलमान होने सिर्फ वो लोग थे जो जेन्युइन मुसलमान थे, अभी कोई मुनाफिक शामिल नहीं हुए थे। मुनाफिकत का फिनोमिनन तो मदनी फिनोमिनन है, इसलिए कि मदीना मुनव्वरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तदार हासिल हो गया था, मुसलमान लोगों के ख्याल में अब ये जीतने वाली पार्टी बन गई थी, तो बहुत से लोग जो बगैर समझे माने सिर्फ अपने मफाद की खातिर वो शामिल हो गए थे। मक्के में इसका कोई इम्कान ही नहीं था, बिकॉज मक्के में ये कहना कि मैं ईमान ले आया, इसका मतलब ये था कि अबू जहल, अबू लहब और दूसरे लोगों से आप मार खाने के लिए तैयार हो गए। वहां अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, ये आयत जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या इन लोगों ने ये ख्याल किया है कि ये छोड़ दिए जाएंगे महज इस बात के कहने पर कि हम ईमान लाए और ये आजमाए नहीं जाएंगे? हमने तो आजमाया उनको भी जो इनसे पहले हो गुजरे, तो अल्लाह जान कर रहेगा उन लोगों को कि जो सच्चे हैं और वो जान कर रहेगा उनको कि जो झूठे हैं। कैसे? इम्तिहान से। यानी इस पैसेज से ये मालूम होता है कि जब आप ये कहते हैं कि हम ईमान ले आए, जो जाहिर है कि कलमा पढ़ने का दूसरा मतलब है कि हम ईमान ले आए, उसके बाद अल्लाह ताला आजमा कर देखता है कि क्या इस दावा करने वाले शख्स का ये दावा सच्चा है, जेन्युइन है या खोटा है। कैसे मालूम होगा? भाई आपने कहा कि मैं मुसलमान हूं, मैं ईमान ले आया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे ओके, जरा मार्केट में जाओ और देखो तुम जो कारोबार कर रहे हो इसमें सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, लोगों के साथ जो मामलात कर रहे हो इसमें तुम्हारा रवैया वो है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाला है या धोखा देने वालों का रवैया है। तो ये अल्लाह ताला कह रहा है वला यालमन्नल्लाहु लजीना सदकू, अल्लाह जान कर रहेगा, वेरीफाई करके रहेगा कि कौन है कि जो सच्चे हैं अपने ईमान के दावे में और कौन है कि झूठे हैं। इसी सूरा में ये 2 और 3 आयत है, 11 नंबर आयत में अल्लाह ताला इसी बात को यूं बयान फरमाते हैं वला यालमन्नल्लाहु लजीना आमनू, तो अल्लाह जान कर रहेगा उनको कि जो ईमान लाए, वला यालमन्नल मुनाफिकीन, और वो जान कर रहेगा उनको कि जो मुनाफिक है। तो ये विशफुल थिंकिंग जो इन लोगों ने अपने पास रखनी है वो रखें, कयामत के रोज मामला अल्लाह की किताब के मुताबिक होगा, और अल्लाह की किताब बिल्कुल वाज़े है कि आखिरत में ना कोई सिफारिश होगी
और ना किसी का महज कलमा पढ़ना उसके काम आएगा। आखिरत में अगर जो चीज अगर कोई चीज काम आएगी तो वो आपका सच्चा ईमान है और उसके साथ नेक आमाल है। बिल्कुल सही। और एक कल्बे सलीम भी आई थिंक सिंसियरिटी बुनियाद है कि जब आपके सामने कोई मालूमात आती है तो देखे ना मैंने फैसला करना है कि क्या ये खुदा की तरफ से अल्लाह ताला की तरफ से गाइडेंस है या नहीं है। तो ये एक आखिरी बात बता दीजिए फिर अल्लाह ताला की तरफ आते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में एक जगह कहते हैं कि बहरहाल इस्लाम ही काबिल कबूल होगा। और मैं ये समझाऊं कि इस्लाम जिस चीज का नाम है वो ये है कि जो आप हक समझें जो सच समझें उसके सामने सरेंडर करें। मतलब अगर आपके पास नबियों और रसूलों की दावत सही तरीके से नहीं पहुंची तो कम अज कम फितरत तो मौजूद है ना अंदर, तो फितरत को ही दयानतदारी से आप फॉलो करें, सच बोलें, अखलाक ठीक करें, आप दयानतदारी से काम लें, ऑनेस्टी इख्तियार करें, आप खुदा की तरफ बार बार रुजू करें, अनफूस वफाक की निशानियों पर गौर करें। ये तो फितरत के तकाजे हैं। इसलिए देखें आप लोग स्पिरिचुअलिस्ट हो जाते हैं, कई एथियस्ट भी होते हैं लेकिन वो बड़े अच्छे लोग होते हैं। तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि एक जगह अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस्लाम काबिल कबूल है और कोई मजहब नहीं है, एक जगह अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कोई ईसाई क्रिश्चियन साबे कोई भी इंसान हो, ये मैं उस बात के तनाजुर में कह रहा हूं कि जो एक जमाने में शायद यहूदी समझते थे अब भी समझते हैं, वो हम समझना शुरू हो गए कि सिर्फ अब्दुल्ला ही जन्नत में जाएगा और जोसेफ या डेविड जो है वो तो जा ही नहीं सकते। तो एक जगह अल्लाह कह रहे हैं कि इस्लाम काबिल कबूल है, दूसरी जगह कह रहे हैं कि जी कोई भी हो जो खुदा पे ईमान लाएगा, जिसका मतलब यह है कि सच के सामने सरेंडर करेगा, अच्छे अमाल करेगा और क्यामत के दिन पे ईमान रखेगा, उसको कोई खौफ नहीं होगा। इन दो को आप कैसे इकट्ठा समझते हैं? बिकॉज एक कुछ लोगों ने इसकी तफसीर ये की है कि एक आयत एब्रोगेट होगी दूसरे की वजह से, सो हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ दैट? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हम मुसलमानों को थोड़ा सा हजम करनी चाहिए ये बात कि इस्लाम पूरी इंसानियत के लिए है, वो को किसी सर्टन इलाके को सर्टन होलिये के लोगों के लिए नहीं है, वो उतना ही अंटार्कटिका के लिए है जितना के पाकिस्तान के लिए है। तो हाउ डू यू रिकंसाइल दीज टू वर्सेस इन योर अंडरस्टैंडिंग खान साहब? देखिए एक बात तो ये है कि मैं बताऊं कि जो एब्रोगेशन का मसला है ना, ये अगर कहीं है तो वो अहकाम में है। जैसे जैसे रोजे के अहकाम थे इस मामले में, जिसके अल्लाह ताला ने शुरू में जरा खाते पीते नाजुक मिजाज लोगों को इस बात का कंसेशन दे दिया कि तुम सफर में होते हो, बीमार होते हो, तो तुम फिर उसकी जगह पर फिदिया दे सकते हो एक मिस्कीन को खाना खिलाकर। और बाद में जाके अल्लाह ताला ने इस कंसेशन को विड्रॉ कर लिया, को खत्म कर पाया कि नहीं। और जैसे खाल साहब सॉरी कता कलामी, जैसे नमाज का भी था कि पहले कुछ बात भी कर सकते थे नमाज के अंदर, फिर अल्लाह का हुक्म आया कि बिल्कुल कोई बात नहीं करनी और कॉन्सेंट्रेशन रखनी। शराब के मामले में भी है और चीजों के मामले में भी ऐसा ही है। तो ये तो अमल में होता है, पॉलिसी में नहीं होता, उसूल में नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला एक जगह कह रहे हैं कि जी चाहे यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे साबई हो, अगर वो अल्लाह पर ईमान लाएं, आखिरत पर ईमान लें और नेक अमल करें जन्नत में जाएंगे, और फिर कहते नहीं नहीं वेट अ मिनट, नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही जाएंगे। क्या आप खुदा का कलाम पढ़ रहे हैं या अपनी मर्जी देख रहे हैं? मैं फिर गुजारिश करूंगा कि असल में हम लोग वो मेहनत करते ही नहीं है कुरान को पढ़ने में कि जो कुरान डिजर्व करता है। जब आप ये करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। देखें इस्लाम के बारे में कुरान से ये मालूम होता है कि उसका मतलब है अपने आप को अल्लाह के आगे सरेंडर कर देना। जिस सरेंडर के करने के नतीजे में आपको पीस मिलती है, आपको इत्मीनान मिलता है। चुनाचे अल्लाह ताला ने इस आय मुबारका में कि इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन यानी दीनी रवैया तो अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इस्लाम ही, यानी अपने आप को झुका देना, अपने आप को अल्लाह के आगे सरेंडर कर देना। दुनिया में हमजा इतनी इंसान बसते हैं, हर इंसान को क्या अल्लाह का पैगाम वैसे पहुंच गया है जैसा कि वो है? मैं और आप अभी यही खाले साहब, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, मुझे नहीं सही तरह पहुंचा, मुझे 34-35 साल लगे समझने में कि क्या बात है। मुसलमानों को नहीं पहुंचा तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को पहुंच गया है, चीनियों को पहुंच गया, फॉर गॉड से क्या कुछ इंसान समझदारी की बात करे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूं कुरान में कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। अगर ऐसा मामला होता तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में गैर मुस्लिमों की हरगिज हरगिज तारीफ ना करते,
मैं आपको बता रहा हूँ सूरह आले क्रिश्चियंस की आयत नंबर 75, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 113-115, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 199, मैं एक सूरह मुबारका से आपको बता रहा हूँ अल्लाह ताला ने उनकी ऐसी तारीफ की उनमें से बाज लोगों की कि बंदा कहता है कि काश के हमारी तारीफ ऐसे करता। इसलिए कि अल्लाह ताला तो अनबायस्ड है, अल्लाह को ये बात मालूम है कि जहां तक उसके पैगंबरों के पैगाम का ताल्लुक है वो लोगों तक पहुंचता है ग्रेजुअली, किसी के पास पहुंचता है, किसी के पास नहीं पहुंचता, किसी के पास ज्यादा पहुंचता है, किसी के पास कम पहुंचता है। जिन लोगों के पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ऐसे पहुंच गया कि उनके पास इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं, वो लाजमन पकड़े जाएंगे, वो लाजमन काफिर हैं, जानबूझकर इनकार करने वाले हैं। वैसे ये मैं डिस्कशन के लिए आइंदा की एक और बात भी डाल दूं, कुरान मजीद से ये बात मालूम होती है कि ये काफिर वो भी हो सकते हैं और होते हैं जो मुसलमान हैं। सर मैं आगे इधर ही आने लगा था आपको और मेरी ना वो तार एक ही फिट हुई है, मैं आगे इसी बात पे आने लगा था काफिर पे। इफ यू हैव कंप्लीटेड दिस बिकॉज हमारे पास 10 मिनट रह गए, तो आपने जिस तरह बताया कि मैं इस पे सिर्फ एक और ऐड कर दूंगा कि देखे ना आप किसी के पास मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं जिन्होंने दीन पूरा वो किया, अब किसी के पास वो दावत सही तरह पहुंची नहीं पहुंची, उसके दिल में हर चीज क्लियर हुई नहीं हुई, हकीकत वाजे हुई, मुझे तो नहीं पता लग सकता ना ये बात। तो मेरे पास तो इख्तियार अब इस वक्त नहीं है कि मैं ब्रांड करता फिरूं कि जी वो काफिर है, बिकॉज काफिर तो वो होता है ना जो हकीकत को छुपाता है अपने दिल में, यानी हकीकत जान लेता है लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे थे कि ये काफिर है, ये मुनाफिक है, मुझे तो कोई नहीं बता सकता ना अभी इस वक्त। तो क्या मुझे इख्तियार है आज कि मैं पैगाम भी पहुंचाऊं अल्लाह ताला का, लेकिन साथ साथ मैं ये भी फैसले करना शुरू कर दूं कि जी ये बंदा काफिर है, ये मुनाफिक है, ये गासिब है, ये है, ये इख्तियार तो नहीं है ना मेरे पास खाल साहब? बिल्कुल नहीं है। कुरान मजीद अगेन वही बात के लोग कुरान नहीं पढ़ते, वरना कुरान बिल्कुल वाजे है, कुरान ने जिन लोगों को काफिर करार दिया उनके बारे में ये बताया कि उन्होंने इनकार किया जिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हक, इसके बाद के उन पर हक वाजे हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस जमाने के बाज अहले किताब थे कि जो यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाहुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद को ऐसे पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते। अल्लाह ताला ने बताया कुरान मजीद में कि जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन और उसके दरबारियों के पास अल्लाह का पैगाम और निशानियां लेके आए तो वजहदु बिहा, उन्होंने उनका इनकार किया, बस तयकनतहा अनफुसुहुम, हालांकि उनके दिलों को उसका यकीन हो गया था। क्यों इनकार किया? जुल्मन व उलूबा, ज्यादती करते हुए और एरोगेंटली। तो अल्लाह ताला इसको जुर्म करार देते हैं, वो ये है। और ये हमजा फिर एक बड़ी परेशानी की बात है, आपको सच्चाई मालूम है और आप उसको मानने से इनकार कर रहे हैं। यार मुझे डर लगता है ये हम मुसलमान बहुत करते हैं, वी नो इन मेनी केसेस व्हाट द ट्रूथ इज एंड वी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। तो अल्लाह से डरना चाहिए मुसलमान बहन भाइयों, मुझे भी डरना चाहिए कि हम कभी नेवर एवर, हमें ये काम करना है कि हमें एक सच्चाई मालूम है और हम उसका इनकार कर दें, ये कुफ्र। उसके रीजंस और मुसलमानों में उसके क्या प्रेवलेंट रीजंस हैं? जैसे मुझे लगता है सेक्टेरियन प्रेशर्स होते हैं या किसी कॉन्सेप्ट से आपको बहुत इमोशनल कोई मोहब्बत हुई होती है, जैसे मुझे फ्रैंकली इमाम मेहदी का कॉन्सेप्ट से बहुत इमोशनल मोहब्बत थी एक टाइम पे, तो कई ऐसी चीजें, तो क्या वजूहत है कि हम कोई चीज अकली तौर पे इल्मी तौर पे समझ आने के बावजूद लोग उसका इनकार कर रहे हैं? एक तो एरोगेंस है, ईगो है, लेकिन मुसलमानों में आपको मेन तीन चार क्या वजूहत लगती है? आपको एक ही वजह बताता हूँ जो वजह कुरान ने बताई। देखिए कुरान मजीद ने सूरह बकरा में आयत नंबर 253 में, जहां से आमतौर पर तीसरा पारा शुरू होता है, मैं पारों की तकसीम को तो एक्सेप्ट नहीं करता, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बताएंगे, हमारे कुरान में तो सिर्फ सूरतों की तकसीम है। लेकिन आयत नंबर 253 में अल्लाह ताला असल में ये बता रहे हैं कि ये क्या मामला है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं, आपका पैगाम एक वाज़ह पैगाम है, मगर इस इलाके में मौजूद जो गैर मुस्लिम यहूद व नसारा है वो ईमान नहीं ला रहे। तो अल्लाह ताला ने उसकी वजह बताई है, फरमाया कि तिलकर रुसुलु फज़लना बाज़हुम अला बाज़,
ये जो रसूल गुजर चुके, हमने इनमें से बाजों को बाजों पर बाज मामलात में फजीलत दी। तो चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बराह रास्त कलाम किया, अलैहिस्सलाम को गैर मामूली मोजज़ात मिले। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी एक फजीलत यह है कि पूरी दुनिया मेरे लिए जो है वो मस्जिद है। सो ये जिसको मानते हैं इन द फर्स्ट प्लेस, जिसको माना, उनकी इतनी एग्जेजरेटेड अकीदत और मोहब्बत में मुब्तला हो गए कि फिर किसी और को देखने के लिए तैयार ही नहीं हुए। 18-19 साल की उम्र में खालिद ज़हीर एक आलिम मुतासर होता है और वो कहता है कि यार कमाल है, देयर कैन बी नो स्कॉलर बेटर देन हिम। उसके बाद आप किसी और को सुनने के लिए तैयार ना हो तो फिर यही होगा जो हो रहा है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, अगर आप देखें मजहबी जो मजालिस होती हैं उसमें एक तो इमोशनली चार्ज्ड रेटरिक होता है, यू नो, बहुत एग्जैक्टली शायरी है, नारेबाजी है, उसके नतीजे में लोग अकीदत में मुब्तला हो जाते हैं। इस अकीदत में मुब्तला हो जाने के बाद, इमोशनली अटैच्ड हो जाने के बाद, जैसा कि आपने भी बताया कि आप किसी शख्स से हो जाए, किसी वाक़े से हो जाए, किसी नज़रिए से हो जाए, फिर उसको छोड़ना आसान नहीं होता। मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ी वजह है कि लोग बिल्कुल एंड आई थिंक कि जो वाहिद मरकज होना चाहिए अकीदत का, तमाम मोहब्बतों का, वो बहरहाल अल्लाह ताला की ज़ात है। खान साहब, आज तो टाइम ख़त्म हो गया, ये ज़रा इम्पॉर्टेंट थे ये मसले डिस्कस करना, ताकि जो ये सुने तो उसके लिए मजीद आसान हो आगे हमारी बातें सुनना किसी तासुब के बगैर या किसी इंपॉर्टेंट मसले आज डिस्कस कर लिए। मैं तो हैरान हूं कि आइंदा क्या करेंगे आप। आइंदा हम सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कस करेंगे एस्पेक्ट, और वो है अल्लाह ताला की जात। और मैं सिर्फ एक टीजर देता जाऊं आज की ये खत्म करने से पहले एपिसोड के, एक तो खालिद साहब आखिर, क्योंकि मैं चाहता हूं आप कॉमेंट करें और उस पर हम खत्म करें, कि जब अल्लाह ताला का ये मैं मानता ही नहीं जो मेजोरिटी हमारे मुसलमान है कि मैं डायरेक्टली उनसे इन टच हो सकता हूं या वो मुझे देख रहे हैं या बात करते हैं, तो वो मोहब्बत जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनसे होनी चाहिए वो कैसे हो सकती है? मुझे एक ऐसी हस्ती से मोहब्बत हो ही कैसे सकती है कि जिसकी तरफ मेरी बात ना पहुंच रही है, ना वो मेरी बात सुन रहा है, ना मेरी उससे बात हो सकती है, तो ऐसी हस्ती से मोहब्बत कैसे हो सकती है? इसीलिए शायद कि हम इंसानों को फोकस करते हैं, जैसे कुछ हमारी मजहबी शख्सियात, मैं नाम नहीं लेता किसी का, वो उनसे मदद तलब करते हैं, उनसे गुफ्तगु होती है, उनके लिए बहुत सारे अहतमाम होते हैं, नतीजतन सारी मोहब्बतों का मरकज भी वो इंसानी हस्तियां बन जाती हैं। तो अल्लाह ताला को जिस मोहब्बत जो वो डिजर्व करते हैं उसके बारे में जरा आप बताइए, और फिर हम आगे जाके उनकी शख्सियत डिस्कस करें, क्योंकि खालिद साहब 99 एट्रीब्यूट्स मैंने अल्लाह ताला के पढ़े, यकीन जाने 9 थे जो थोड़े फोर्सफुल थे, कहार, जब्बार, ये इस तरह के जो थे। आपको पता है 89 अल्लाह ताला के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो तो देख के मुझे आई फेल हेड ओवर हील्स इन लव विद अल्लाह ताला। द राइटियस टीचर, अलवदूद मोहब्बत करने वाले, सब कुछ सुनने वाले, अलवली प्रोटेक्टिंग फ्रेंड, राइटियस टीचर, द मोस्ट पेशेंट टीचर, मुझे तो लग रहा था कि ये एक इंतहाई मोहब्बत करने वाली एक बुजुर्ग शख्सियत है जिन्होंने मुझे बनाया, और मुझे प्यार हो गया। वो 89 उनके एट्रीब्यूट्स मोहब्बत की छलकती है उनमें से, और सिर्फ 9 है जो मुनसिफ और इंसाफ के लिए जरूरी है। तो मुझे बताइए अल्लाह ताला से मैं कैसे मोहब्बत करूंगा जब मैं ये मानता हूं कि मेरी तो बात नहीं पहुंच सकती उन तक जब तक ये एक्स वाई जेड बंदों से मैं बात ना करूं। हाउ विल यू लव अल्लाह ताला? हमारे पास टाइम कम है, बिल्कुल मैं मुख्तसर बात करता हूं। मैं इसका जवाब आपको नहीं दे सकता, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। मैंने कुरान पढ़ा तो अपनी तमाम तर कमजोरियों के बावजूद अल्लाह से मोहब्बत हो गई। अब उसके बाद किसी और से इतनी मोहब्बत हो सकती है कि जितनी अल्लाह से होती है, होनी चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता। आई कांट आंसर योर क्वेश्चन। जिस शख्स ने अल्लाह को जान लिया वो अल्लाह को छोड़कर किसी गैर अल्लाह से उतनी मोहब्बत करे, बदजौकी है। देखना खान साहब, अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या किसी भी नबी से या शख्सियत से अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए करता हूँ ना कि उनको अल्लाह ताला ने भेजा है। मैं अल्लाह ताला से प्यार करता हूँ, नतीजतन जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, जिनके जरिए उन्होंने हमें गाइड किया, उनसे मोहब्बत करूंगा ना मैं। तो जो आप बात कर रहे हैं, क्या वो हर क्या मुसलमान होने का ये तकाजा नहीं है कि आपकी तमाम मोहब्बतों का, अकीदतों का, लॉयल्टीज का मरकज ला इलाहा इल्लल्लाह, वो उस एक बनाने वाले की तरफ हो? आखिरी अल्फाज खालिद साहब। और इसका तरीका एक ही है हमजा, एक ही है,
وہ میری اور آپ کی تقریر نہیں ہے. لوگ مسلمان قرآن پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں, ان کے اندر انشاءاللہ اللہ کی محبت پیدا ہو. بالکل ٹھیک ہے. آنے والے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اب ان اس ہستی کی پرسنالٹی جو ہم تک پہنچی ہے قرآن کے تھرو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے تھرو. اینڈ ٹرسٹ می, بائی دی اینڈ آف دس رمضان میں اور خالد صاحب بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کو ریئلائز ہو کہ آپ کو بنانے والا کون ہے, آپ کو رزق دینے والا کون ہے, اور وہ کتنی خوبصورت ہستی ہیں وہ. ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ انشاءاللہ ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. خالد صاحب بہت شکریہ, سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. انشاءاللہ, جزاک اللہ.